हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन सिविल एकेडमी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है लर्न फ्रॉम क्वेश्चन सीरीज में। रेकॉन सिविल एकेडमी की एक यूनिक सीरीज है जहां हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिखाते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है रिलेटेड टू फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो आई एंश्योर यू कि आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में अनगिनत बार आ चुका है। क्वेश्चन में हमको सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट लगाना था। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ए मेंबर ए बी सी डी इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है और कुछ फोर्सेस दे रखे हैं और जो मेंबर है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। दोस्तों ए बी इज द फर्स्ट पार्ट, बी सी इज द सेकेंड पार्ट एंड सी डी इज द थर्ड पार्ट। द रेजिस्टिव फोर्स इन द पार्ट बी सी इज, तो आपको बीसी में कितना रेजिस्टिव फोर्स मेंबर के अंदर डेवलप होगा ये पता करना है। क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम का है और फंडामेंटल है, तो आइए सीखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। दोस्तों बिफोर गिविंग द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आपने रेकॉन सिविल एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। रेकॉन सिविल एकेडमी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम चलाता है दोस्तों सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो भी घर बैठे एट ए नॉमिनल प्राइस, देन रेकॉन इज ए प्लेस फॉर यू। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.rcaonline.in या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। इसके अलावा दोस्तों जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चाहिए, तो रेकॉन का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम चालू हुआ है जहां पे आप 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के घर बैठे लेके वीडियो फॉर्मेट में सॉल्यूशन देख सकते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का। क्वेश्चन कितना भी इजी हो, क्वेश्चन कितना भी टफ हो, रेकॉन फैकल्टी ने उसको सॉल्व किया है और आप घर बैठे इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये कोर्स इसलिए कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से किए हैं इट विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट और आप एग्जाम में बहुत से कॉन्फिडेंस के साथ जा सकेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है फ्री बॉडी डायग्राम का जिसको आप यहां पे यूज करेंगे। तो दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए आपको तीन स्टेप समझने होंगे। अगर आप इन तीन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है ये तीन स्टेप मैं लिख देता हूं, बस इन तीन स्टेप्स को फॉलो करिए। सो फर्स्ट स्टेप है कट द स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर को काटना है, यहाँ पे जो हमें रॉड दे रखी है उसको हम काटेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है दोस्तों, मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द कट सेक्शन। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है जो आपने सेक्शन काटा है उसका। और थर्ड स्टेप क्या है, रीजॉइन द स्ट्रक्चर, रीजॉइन द स्ट्रक्चर। तो अगर आप ये तीन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस तीन स्टेप को इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। हम स्ट्रक्चर को दो जगह से काट लेते हैं दोस्तों, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, बी सी पे हमने दो कट लगा दिए। अब मुझे क्या मिल गया, एक ए बी मिल गया, मैं थोड़ी दूर दूर पे रख देता हूं इनको। ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया बी सी और ये मेरा तीसरा पार्ट हो गया सी डी। तो माई फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, कट द स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब इसमें कहा है मेंटेन द इक्विलिब्रियम। तो अगर आप देखें दोस्तों तो यहां कितना फोर्स लगाए, 45, तो यहां पे 45 तो लगाना ही पड़ेगा और यहां पे 130 लगा है तो यहां पे 130 लगाना ही पड़ेगा एट द एंड डी। अब आपको ये वाला स्टेप फॉलो करिए,
मेंटेन द इक्विलिब्रियम, 45 यहां है तो 45 यहां रहना पड़ेगा। मैंने कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई दोस्तों, समीशन एच इक्वल टू जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही है तो यहां पे सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगेगी, समीशन एच इक्वल टू जीरो। तो 45 45 इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, स्टेप टू इज ओवर फॉर पार्ट वन। सिमिलरली इजी वाला पहले कर लेते हैं, वन और थ्री इजी थे क्योंकि 130 और 45 लगे हुए हैं, तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम लगा दीजिए, यहां पे आपको मिलेगा 130। तो समीशन एच इक्वल टू जीरो आपने लगाया, जितना फोर्स जा रहा है राइट हैंड साइड में उतना ही फोर्स जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो आपका स्टेप टू लग गया है वन पे भी और थ्री पे भी। अब स्टेप टू लगाना है आपको सेकंड वाला जो पार्ट है बीसी, उसके ऊपर। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि जो सेकंड सेक्शन है हमारा टू, उस पे हम किस तरीके से मेंटेन द इक्विलिब्रियम करेंगे। इसके लिए हमें स्टेप थ्री पे आना पड़ेगा, रीजॉइन द स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है कि जब स्ट्रक्चर वापस ज्वाइन हो जाए, ये तीनों जो मैंने सेक्शन काटे हैं ये मैं ज्वाइन कर लूं, तो मुझे वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल जाना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं सेकंड और थर्ड स्टेप दोनों साथ में लगाऊंगा फॉर मेंबर बीसी। तो देखिए कैसे लगाऊंगा मैं, यहां पे आप अगर आप देखेंगे तो 45 का फोर्स लगा हुआ है बी जॉइंट पे वन सेक्शन में टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, और टोटल अगर आप मेन स्ट्रक्चर में देखें तो 365 का राइट हैंड साइड में फोर्स लगा हुआ है बी जॉइंट पे। तो मुझे अगर राइट हैंड साइड में यहां पे एक फोर्स लगाना हुआ तो वो कितना लगाना पड़ेगा, 365 माइनस 45। क्यों? क्योंकि जब मैं स्ट्रक्चर को ज्वाइन करूं तो मुझे नेट फोर्स कितना मिल जाए राइट हैंड साइड में, 365। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे 320। अब हम सेकेंड स्टेप पे फिर आ जाते हैं, मेंटेन द इक्विलिब्रियम। तो आप इधर से भी कितना लगाएंगे फोर्स, 320 कंप्रेसिव फोर्स लगेगा ये, क्योंकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। ये चीज आप इधर से भी कर सकते थे, सीडी से भी। सीडी में अगर आप देखें तो टोटल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में कितना लगा हुआ है, 450। नाउ सी जॉइंट पे हमारे थर्ड मेंबर में फोर्स कितना है, 130। तो यहां पे अगर आप देखें टू मेंबर पे तो 450 माइनस 130, अगेन दिस वैल्यू विल बी 320। तो अब देखिए आपको सभी जो सेक्शंस हैं उस पे फोर्सेस मिल गए हैं। यहां पे फर्स्ट वाले पे मिला 45 टेंशन, सेकंड वाले पे मिला 320 कंप्रेशन, और थर्ड वाले पे मिला 130 टेंशन। सो सिंपल। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों, 320 कंप्रेशन। मैं एक बार फिर बोलूंगा दोस्तों, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इन तीन स्टेप्स को हमेशा फॉलो करिए, कट द स्ट्रक्चर, मेंटेन द इक्विलिब्रियम, रीजॉइन द स्ट्रक्चर टू गेट इनटू ओरिजिनल शेप। ये एक आगे आप और लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि जब आप स्ट्रक्चर को ज्वाइन करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, ओरिजिनल स्ट्रक्चर फिर से मिल जाना चाहिए, यानी कि इन सब को आप फिर से ज्वाइन कर दीजिए तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, इस तरीके से। ये वाला पार्ट हुआ और ये हुआ, यहां पे देखिए ये 45 आया, यहां पे आप देखेंगे तो आपको 365 मिलेगा, यहां पे आप देखेंगे तो आपको 450 मिलेगा, और इधर आप देखेंगे तो 130 मिलेगा। ये इन तीनों को ज्वाइन करने से आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, फ्री बॉडी डायग्राम बार बार काम आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम इतना ही है दोस्तों, इन तीन जो स्टेप्स हैं इनको अगर आप लगाएंगे तो कभी फ्री बॉडी डायग्राम में गलती नहीं होगी। विथ दैट, थैंक यू वेरी मच, कीप इंजॉइंग योर सिविल इंजीनियरिंग एंड हैव लॉट ऑफ फन इन योर लाइफ।